ऑडियो स्क्रीन नोट 6 चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज पिला मैंने मु तुमको पढ़ाऊ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स रे चारिटा पार्ट अच्छी प्रथम पार्ट थिला प्रथम शॉर्ट नोट टी अच्छी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन आउ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन विषय में तुमको फर्स्ट क्लास रे तुमको या पूर्व क्लास रे प्रीवियस क्लास रे तुमको मु बुझेली एबे आम जानिबा ट्रोपोस्फेरिक ओजोन परे सेकेंड शॉर्ट नोट बा सेकेंड पार्ट पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बा शॉर्ट रे ताको पैन कहती शॉर्ट रे याको पैन को आजे PAN पैन फॉर्मूला हला C2H5NO5 C2H5NO5 बुझेला एवं यार मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर तल को दिखाई देख ये CH3CO(O)(N)O-N+O एमती है फॉर्मूला स्ट्रक्चर ए लिखा जा बुझेगा ये है आम पैन रो मॉलिक्युलर फॉर्मूला एबे आम ये पैन रे तार ओरिजिन विषय जानिबा तापर यार प्रॉपर्टीज कौन जानिबा आउ इफेक्ट कौन जानिबा केमिति पैन तैयारी होची तार धर्म कौन एवं केमिति से एनवायरमेंट जीवजगत उपरे तार इन्फ्लुएंस दौची बा अफेक्ट करुची से विषय मध्य एबे जानिबा वन बाय वन डिस्कशन करिबा प्रथमे तार ओरिजिन विषय लेखा हैछि पढ़िबा इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स विषय कहुई ता माने मीथेन हो नथिबो मीथेन को छाड़ी अन्यान्य जो हाइड्रोकार्बन्स अच्छा से ही हाइड्रोकार्बन गुड़ाक ए पैन तैयारी हेबारे व्यवहार होता पैन तैयारी से माने भूमिका नहीं था आउ से नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन सहित ऑक्सीजन दरकार होतीत नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दरकार बुझेगा ऑक्सीजन आउ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दरकार पड़ी ए सिंथेसिस समय बुझेगा तो एथिरे कौन कौन दरकार है ना नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन रो ऑक्साइड बुझेगा एतिक जिनस दरकार पड़ी तो नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन गोटे प्राइमरी पोल्यूटेंट नाइट्रोजन रो ऑक्साइड गोटे हो पारे प्राइमरी पोल्यूटेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो पारे नाइट्रोजन पेंटोक्साइड हो पारे टेट्रोक्साइड हो पारे नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड हो पारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से कहुच तो ये दुईटा प्राइमरी पोल्यूटेंट ऑक्सीजन सहित मिसिबे इन प्रेजेन्स ऑफ लाइट लाइट प्रेजेन्स मिसुचार तेरी हे पैन तेरी हे तेणु पैनटा को कहे सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहीं सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहले कि एथिरे दुईटा प्राइमरी पोल्यूटेंट परस्पर सहित मिसिले केमिकल रिएक्शन कले लाइट रो प्रेजेन्स तेणु लाइट इंड्यूस्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा तापर तैयारी है पैन तैयारी है पेरोक्सीस्टाइल नाइट्रेट तैयारी है बुझेगा से प्रथम लाइन में लिखागला कि नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिसला परे सनलाइट प्रेजेन्स पैनटा तैयारी हो बुझेगा तापर नेक्स्ट लाइन को आसवा आउ कौन एर इनवल्व हो जो पैन तैयारी एसिटाल्डिहाइड मिथाइल ग्लाइक्सिल एवं ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ आरोमेटिक कंपाउंड्स आरोमेटिक कंपाउंड माने जो गुड़ाक रिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम रिंग कंपाउंड सब बहुत बड़ बड़ रिंग स्ट्रक्चर सब पढ़व आग को से जो रिंग कंपाउंड्स गुड़ाक जो भांगिक छोट छोट खंड को परिणत हूँ से छोट खंड कंपाउंड गुड़ाक मिथाइल ग्लाइक्सिल गुड़ाक एसिटाल्डिहाइड गुड़ाक युड़ाक सब एटमॉस्फेयर रही सनलाइट प्रेजेन्स मिसामिशी एमाने तैयारी करते नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सहित नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित एमाने मिसी तैयारी करती पैन तैयारी करती बुझेगा तेना पैन तैयारी हेले कौ कौ कंपाउंड गुड़ाक मूल कंपाउंड हिसाब से निया गोटे एसिटाल्डिहाइड द्वितीय है मिथाइल ग्लाइक्सिल एवं थर्ड है आरोमेटिक कंपाउंड्स गुड़ाक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स आरोमेटिक कंपाउंड मैंने बड़ बड़ रिंग कंपाउंड गुड़ाक भांगला ऑक्सीडेशन है मैंने भांगापर जो छोट छोट कंपाउंड तैयारी होते हैं कंपाउंड गुड़ाक यो पैन तैयारी मुख्य भूमिका नहीं था व्यतीत ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेशन जो करुच्ची पैन टाकप गोटे स्ट्रंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोली कहुच या पूर्व तुमको प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट डिफरेंस कह समय बुझेली कि प्राइमरी पोल्यूटेंट गुड़ाक ऑक्सीडाइज हो पारती रिड्यूस्ड हो पारती कि पार्टिकल नेचर हो पारती आम प्राय 11टा
प्राइमरी पोलुटेंट विषय में पढ़ले कौटाक अक्सीडाइज्ड कौटा रिड्यूस्ड कौटाक पार्टिकल नेचर पोलुटेंट आम जानते एवं आम सेकेंडरी पोलुटेंट पढ़ुचो तो प्राइमरी पोलुटेंट अपोजिट होची सेकेंडरी पोलुटेंट। प्राइमरी पोलुटेंट गुड़ाक जब अक्सीडाइजिंग होती रिड्यूसींग होती कि पार्टिकल नेचर हमें बट ये सेकेंडरी पोलुटेंट गुड़ाक सब गुड़ाक स्ट्रंग अक्सीडाइजिंग एजेंट्स स्ट्रंग अक्सीडेंट्स कहुची मोर स्टेबल ध्यान दो ओजन ओजन अपेक्षा पैन गुड़ाक बेसी स्टेबल मन रख ओजन आम जो पढ़ले आगुरु से ओजन अपेक्षा ओजन टाक नर्माली कंटिन्यूसली एटमोस्फेयर चेंज ऑक्सीजन रु ओजन तैयारी हो जो ओजन रु ऑक्सीजन तैयारी हो कंटिन्यूसली ओजन लेयरटे गोटे रिएक्शन चली इक्विलिब्रियम रिएक्शन चली ओजन रु ऑक्सीजन ऑक्सीजन रु ओजन एमती चली कंटिन्यूसली फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन होती बट एक क्षेत्र में पैन टाक टी अधिका स्टेबल ध्यान दे ओजन ओजन टाक कंटिन्यूसली भांगुची बट ये भांगी ये कंपेरेटिवली स्टेबल देन इट इज थर्माली अनस्टेबल किंतु जदि टेम्परेचर जदि ये बेसी मात्रा रे पाए बाई कंपाउंड गुड़ाक पैन कंपाउंड जदि अधिका टेम्परेचर को एक्सपोज होती ताहले ये गुड़ाक भांगी जाती डिकम्पोज कर जाती डिकम्पोज कलापर दुईटा रेडिकल सी तैयारी करती गोटे हूँ पेरक्सी इथानोल रेडिकल आ गोटे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पेरक्सी इथानोल रेडिकल मु या पूर्व तुमको जो बुझे से कि नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन बुझेगा प्लस आम नौ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स नौ ऑक्सीजन नौ सब मिसला परे पैन तैयारी होता तो एथिरे जो मुख्य दुईटा एलिमेंट अच्छे गोटे है नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन आ गोटे हूँ नाइट्रोजन ऑक्साइड जितेबाला पैन टाक भांग से दुईटा कंपाउंड पुणी तैयारी हम बट जो नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन टाक तैयारी हम क्या से गोटे रेडिकल फॉर्म तैयारी होती प्लस माइनस फॉर्म तैयारी होती रेडिकल टाक कहती पेरोक्सी इथानोल रेडिकल बोली कहा जाए सेथिपाई पेरोक्सी इथानोल रेडिकल एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड गोटे पैनटा भांगे तैयारी होता है जदि टेम्परेचर अधिका पाए पैन कंपाउंड भांगी जाए डिकम्पोज कर जाए भांगे दुईटा कंपाउंड तैयारी करे गोटे कंपाउंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य कंपाउंड टी हम पेरोक्सी इथानोल रेडिकल। नेक्स्ट लाइन इट इज एन इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग मन रखे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट पैनटा जदिओ ये गोटे इटसेल्फ मैंने सी निजे जदिओ गोटे सेकेंडरी पोल्यूटेंट किंतु आउ गोटे सेकेंडरी पोल्यूटेंट जहाँ फोटोकेमिकल स्मोक कहा जाए से फोटोकेमिकल स्मोक तैयारी होने पैनटाक व्यवहार होती बुझेगा तो इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक से कहगला बुझेगा इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक रे जो सब उपादान गुड़ाक लगी कॉन्स्टिट्यूएंट मान है उपादान जो जो उपादान गुड़ाक फोटोकेमिकल स्मोक तैयारी व्यवहार होता यूज होती से मधर पैन गोटे अन्य तम उपादान। नेक्स्ट एमानकर इफेक्ट विषय जानिबा एमानकर इफेक्ट हला कज सिल्वरिंग सिल्वरिंग माने पत्र ऊपर जेतेले लागी जीव गुडाको पत्रटा चिक चिक करिके धळा देखा जीव पैन कंपाउंड जेतेले पत्र लागीबो गछर डाळ पत्र लागीबो सेतेबेले चिक चिक करि धळा देखा जीव सेटाले सिल्वरिंग इफेक्ट। देन ग्लेजिंग ग्लेजिंग टाक हबो चिक चिक करिवो सिल्वरिंग माने सिल्वर टाइप रो व्हाइटिश जणा पडिवो। नेक्रोसिस नेक्रोसिस माने पत्र जो पार्ट रे जदी अधिका जमा हेगला ताहले से पत्र से पार्ट टाक से जो पत्र से पार्ट टाक डेड हो जीवो डेड हो कि सेटा को झुली पड़िवो तन पत्र कणा कणा हो जीवो नेक्रोटिक पैचेस दे मते देखा जीवो नेक्रोसिस देखा जीवो बा टोटल पत्र टाक मरी कि झड़ी जाय पारे। देन इम्प्लांट्स इरिटेशन टू आईज हला प्लांट रे एतिके सब इफेक्ट देखेला कि सिल्वरिंग ग्लेजिंग नेक्रोसिस इम्प्लांट्स हला प्लांट रे सिल्वरिंग इफेक्ट देखि परिबे ग्लेजिंग इफेक्ट देखेबो नेक्रोटिक इफेक्ट देखेबो एवं आउ सब अदर ऑर्गेनिजम्स पई इरिटेशन टू आईज लंग्स एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अन्यान्य एनिमल मानक पई ये पैन कंपाउंड टी आखिरे इरिटेशन कराए लंग्स रे मते इरिटेशन हबो सेति पे बारंबार खास हबो ता बेत अन्यान्य रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम गुडा को मध्य एति पई किछि मात्रा रे सृष्टि होती बुझेगा आउ सब श्वास प्रश्वास जनित रोग थाए बा इफेक्ट सब देखा जाए ये है सब इफेक्ट्स बुझेगा तो एमें ओरिजिन विषय पढ़िले एम प्रॉपर्टीज विषय पढ़िले व्यतीत इफेक्ट भी आम जाने आम पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट तार फर्मूला भी तुमको कहली बुझेगा इंपोर्टेंट पॉइंट जो गुड़ाक सब बोल्ड कराई से गुड़ाक मन रखापे चेष्टा कर। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मोक विषय टी जानिबा फोटोकेमिकल स्मोक फोटोकेमिकल स्मोक ये हला आ गोटे सेकेंडरी पोल्यूटेंट आमे दुईटा सेकेंडरी पोल्यूटेंट ऑलरेडी पढ़ी सारे ये तृतीय
सेकेंडरी पल्यूटेंट, थर्ड सेकेंडरी पल्यूटेंट, यार मध्य सेमिति ओरिजिन प्रॉपर्टीज एवं इफेक्ट्स आम पढ़ा। मु तुमको फास्ट इटि जो जो जिन गुड़ाक इंपोर्टेंट से गुड़ाक बोल्ड कराएनि, तो मुझको ये कहला बेल मन रखा चेस्टा कर। स्मोक इज ए डार्क फग, स्मोक मान हूँ गोटे डार्क फग। स्मोक कहले SMOG, स्मोक कहले आम बुझा स्मोक प्लस फग। नोट रईड लिखिदेव नोट जो अच्छे से नोट देखिए तुम जो पढ़ु से नोट्रे भी लिखि नब कि स्मोक समान, स्मोक समान स्मोक प्लस फग है। फगटा है कुहुड़ी आउ स्मोक है धूआ, धूआ आउ कुहुड़ी मिसले स्मोक हम SMOG हम। एबे ए जो स्मोक तैयारी होची SMOG स्मोक तैयारी होची दी प्रकार तैयारी होची, ये दी प्रकार तैयारी होची। गोटे है नॉर्मल स्मोक आ गोटे होची फोटो केमिकल स्मोक। नॉर्मल स्मोकटा को क्लासिकल स्मोक भी कहते आ फोटो केमिकल स्मोक जोटा विषय आम जानवा बुझेगा। एबे सेकंड लाइन रे देखो ना फर्स्ट लाइन आउट के भल कि बुझी सारो। स्मोक इज डार्क फग, तो स्मोकटा को गोटे डार्क फग, फग ये है कारण फग्रे जो कुहुड़ी जो स्मोक मिसीगला तो डार्क फग हो गला। कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक फग गैसेस पोल्यूटेंट्स सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा, तेणु स्मोक रे बहुत सारे जिनस मिसी जाइए कारण धुआं मिसीला कुहुड़ी रे। तो कुहुड़ी तो नॉर्मली कुहुड़ी माने जोटाक गोटे गैस मीडियम रे वाटर ड्रॉपलेट्स गुड़ाक सस्पेंडेड होकर रहा, बट तादेर जदि स्मोक मिसिला बा धुआं मिसिला, धुआं रे कौन कौन सब अच्छी ना नाइट्रोजन ऑक्साइड्स थिबो सेतरे, सल्फर ऑक्साइड्स मध्य थिबो, अन्यन्य पोल्यूटेंट गुड़ाक मध्य सेतरे थिबे, किसी गैस पार्टिकल मध्य सेतरे मिसी थिबे, तो ए सब गुड़ाक मिसिला परे ए स्मोक टाको तीर हिला। तेणु स्मोक कहले आमे स्मोक प्लस फग कहले, फग कहले वाटर ड्रॉपलेट्स गुड़ाक एयर रे सस्पेंड होके अच्छे, आउ स्मोक पार्टिकल्स माने धुआं पार्टिकल माने से विभिन्न प्रकार पोल्यूटेंट गुड़ाक थी जो गुड़ाक तुम प्रथम पॉइंट रे डिस्क्राइब कर दिगला बुझेगा। तापर आम आसवा सेकेंड लाइन को, दिस स्मोक इज क्लासिकल स्मोक रिड्यूसिंग इन नेचर। तेणु स्मोक दि प्रकार बोली मुझे कहली, तो स्मोक जो दि प्रकार है गोटे है क्लासिकल स्मोक बा नॉर्मल स्मोक एवं आ गोटे है फोटो केमिकल स्मोक। फोटो केमिकल स्मोक ए क्लासिकल स्मोक बा नॉर्मल स्मोक है जितेबाला शीत दिन होइतिबो किंबा भोर भोर रु खरा दिन रे मध्य बहुत समय कुहुड़िया कुहुड़िया सिचुएशन देखा जाए कारण किसी मात्रा रे वाटर ड्रॉपलेट्स बेसी मात्रा रे थिले, ह्यूमिडिटी अधिका थिले, से जितेबाला एयर रे सस्पेंडेड होकर रहुचि बेसी बेसी मात्रा रे रहुचि सेही समय रे कुहुड़ी कुहुड़ी टाइप रे आमको लागुचि से जो कुहुड़ीटा कहुचि नॉर्मल क्लासिकल स्मोक बुझेगा। जो थे बेसी पोल्यूटेंट न था अल्प किसी पोल्यूटेंट बा स्मोक मिसिक थाए माने अल्प किसी स्मोक पार्टिकल्स था सेठी, तो से जो क्लासिकल स्मोकटा को नॉर्मली रिड्यूसिंग इन नेचर बुझेगा, रिड्यूसिंग इन नेचर फॉर्म बाय कंडेनसेशन ऑफ वाटर वेपर्स विथ स्मोक पार्टिकल्स ड्यूरिंग द विंटर। तेणु शीत दिन प्रायत ये जो कुहुड़ीटा आम देखती आम एरिया देखती जो बेसी इंडस्ट्री ना कि कलकारखाना ना अथवा बेसी पल्यूशन ना गाड़ी घोड़ा बेसी चलुनि, तथापि जदि आम से कुहुड़ी पाँचे से जो कुहुड़ीटा हूँ गोटे टाइप स्मोक जो स्मोक मिसीची किंतु सेटा हूँ गोटे क्लासिकल स्मोक जो बेसी पल्यूटेंट ना बुझेगा, एवं से जो स्मोकटा रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग इन नेचर। किंतु जो फोटो केमिकल स्मोक तैयारी से जो फोटो केमिकल स्मोकटाक खरा समय तैयारी हुए, खरा पड़े ये बेसी तैयारी हुए, किंतु क्लासिकल स्मोक तुम देखी थो भोर भोर कि राति सारा कुहुड़ी थी बट जो खरा पड़ो से कुहुड़ीटाक धीरे धीरे मानने सरी जाए कुहुड़ीटाक नष्ट हो जाए, कुहुड़ी रहे नहीं, तेणु से जो कुहुड़ीटाक आपे आपे छाड़ी जाऊँच से जो छाड़ी जावाटा हूँ वाटर भेपर गुड़ाक पुणी गैस होयार मिसी जाऊँगी, तेणु कुहुड़ीटाक जना पड़ूनी खरा बढ़ले सी हो, बट किसी जगार दिन बल बहुत कुहुड़िया सिचुएसन क्रिएट हुए सहीटाक बेसी मात्रा रे इंडस्ट्रियल एरिया रे होता। इंडस्ट्रियल एरिया कहले आम उत्तर प्रदेश तुम जदि कानपुर जीव, आगरा जीव, दिल्ली जीव, चेन्नई जीव, सेमती गुजरात अहमदाबाद किंवा आम हैदराबाद ये सब जो सहर गुड़ाक अच्छी बड़ बड़ सहर अच्छी मेट्रो सिटी अच्छी कलकाता अच्छी से सब सहर रे बहुत अधिका मात्रा रे इंडस्ट्री गुड़ाक हेतु अधिका अधिका स्मोक पार्टिकल्स एयर को छाड़ू, तेणु जिते अधिका स्मोक बा पल्यूशन आटमोस्फियर रोब से फोटो केमिकाल स्मोक दिन बेला तैयारी होता है, खरा जिते टाण हम यही फोटो केमिकाल स्मोकटाक से स्ट्रंग होता है
आउ से जो फोटोकेमिकल स्ट्रंगटा को बेसी मात्रा रे देखा जाउछि ता द्वारा बेसी एटमॉस्फेयर टा इफेक्ट हेतै। जदि केबे आगरा जाइथिबो तो आगरा गले तमे देखिबो पूरा धू धू खरा समय रे दिन बेला मध्य प्राय तमे शीत दिन रे पाखरु भी अति पाखरु भी तमे आगरा जो ताजमहल टाक तुम्हें लोकेट करपरन क्लीअरली देखिपर पूरा पाख को नगले देखिपरि कहीं आगरार आखपाख अंचल बहुत अधिका मात्रा से इंडस्ट्री अच्छी। कानपुर में बहुत इंडस्ट्री अच्छी। इलाहाबाद बारना बनारस ये सब बहुत इंडस्ट्री अच्छी। तेणु से जो इंडस्ट्री गुड़ाक सब रही इंडस्ट्री एत मात्रा धूआ बाहर कि जो धूआ गुड़ाक धीरे धीरे फग सहित मिसिकी लाइट सहित मिसिकी फोटोकेमिकल स्मोक तैयारी करती हेला। तो फोटोकेमिकल स्मोक इज हाँ आम सेकेंड लाइन टाइम पढ़ुले जो फोटोकेमिकल स्मोकटा को क्लासिकल बोली कहली तुमको क्लासिकल ये कहली कि सेटा को नॉर्मल फोटोकेमिकल नॉर्मल स्मोक सेटा को क्लासिकल स्मोक मतलब नॉर्मल स्मोक जोटाक विंटर दिने बा शीत दिने प्रायत सकाळु सकाळु बेसी मात्रा देखा जाए बट खरा पड़े सेटा को छाड़ जाए क्लासिकल स्मोकटा छाड़ जाए रिड्यूसिंग इन नेचर। थर्ड लाइन फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग एंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो फोटोकेमिकल स्मोक जो तैयारी से फोटोकेमिकल स्मोक पाई जो सब कॉन्स्टिट्यूएंट बा उपादान गुड़ाक नॉर्मली यूज होता से हाइड्रोकार्बन गुड़ाक प्रायत दरकार पड़ती और नाइट्रोजन ऑक्सीजन सॉरी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एथिरे व्यवहार होता बुझेगा हाइड्रोकार्बन्स प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तापर सल्फर एवं ता सहित मध्य ओजोन है पैन एगुड़ाक सब मिसिके फोटोकेमिकल स्मोक तैयारी होती। तो हाइड्रोकार्बन सांगे जदि नाइट्रोजन ऑक्साइड गुड़ाक मिसिबो ताले डेफिनेटली प्रथम पैन तैयारी हेबो तापर पैनटा जो तैयारी है ओजोन सहित मिसिबो अन्यन्य पार्टिकल सहित मिसिकी एटी फोटोकेमिकल स्मोक तैयारी हेबो बा फॉग सहित मिसिकी फोटोकेमिकल स्मोक तैयारी हेबो बुझेला केमिति फोटोकेमिकल स्मोक तैयारी होची कि प्रथम हाइड्रोकार्बनटा नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित मिसिबो तो तैयारी हेबो पैन तैयारी हेबो तापर पैनटाक ओजोन सहित मिसिबो ओजोन सहित मिसिला परे से जो कंपाउंड तैयारी एक्स तैयारी प्लस फॉग सहित मिसिबो कोड सहित मिसिबो तैयारी हे फोटोकेमिकल स्मोक ये सनलाइट व्यवहार हे बुझेगा सनलाइट ये व्यवहार हे। तेणु सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से इनवल्व है पीसीएस फोटोकेमिकल स्मोक तैयारी बेले प्रथम हाइड्रोकार्बन गुड़ाक नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित मिसिले इन प्रेजेन्स ऑफ सनलाइट पैन तैयारी पुणी जो पैन तैयारी ओजोन सहित मिसिला से पुणी सनलाइट इनवल्व है जो कंपाउंड तैयारी है से कंपाउंडटा को पुणी फॉग सहित मिसिला एवं से सनलाइट इनवल्व है। तो ये तैयारी है आमको फोटोकेमिकल स्मोक केते गुडे रिएक्शन एथरे इनवल्व है देख। तो एमती भाव में फोटोकेमिकल स्मोक जो तैयारी हो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस फोटोकेमिकल रिएक्शंस इनवल्व होती से हाइड्रोकार्बन्स यूज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यूज होती सल्फर यूज होती पैन यूज होती ओजोन यूज होती। नेक्स्ट लाइन दीज कंपाउंड्स ये जो कंपाउंड गुड़ाक जो कंपाउंड गुड़ाक आम जो तैयारी हो दीज कंपाउंड्स कंबाइंड विथ द ओजोन ओजोन सहित तैयारी है रिएक्शन गुड़ाक सब लिखिदी तुम बुझल से जो कंपाउंड गुड़ाक कंबाइंड विथ ओजोन टू फॉर्म द ब्राउनिश हेजी फ्यूम्स जितेबले हाइड्रोकार्बन गुड़ाक नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित मिशुचार पैन ओजोन यू कंपाउंड तैयारी से सब कंपाउंड गुड़ाक जो ओजोन सहित मिशुचार गोटे ब्राउन रंगर हेजी फ्यूम्स गोटे तैयारी फ्यूम मैंने धूआ हेजी मैंने टिके बहलिया हेजी है बहलिया धूआटे तैयारी हेबो रंगटा हूँ ब्राउनिश ब्राउन रंगर धूसर रंगर हेजी फ्यूम्स तैयारी हे बहलिया धूआटे तैयारी हे इन स्ट्रंग सनलाइट जदि सूर्यकिरण भारी स्ट्रंग थी तेल तैयारी हम ये ब्राउनिश हेजी फ्यूम्स आउ से जो ब्राउनिश हेजी फ्यूम्सटा तैयारी स्मोग सेटा कौन स्मोग यो ओजोन ये व्यवहार हो देख डायरेक्टली ओजोन तैयारी कि ये यूज है किंतु प्रथम जो हाइड्रोकार्बन गुड़ाक है ये मिसुचंती नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित तो एथिरु पैन तैयारी पारंती किंबा आउ किसी अन्य कंपाउंड एथिरे तैयारी हो पारंती एक्स वाई जेड तैयारी पारंती यही सब गुड़ाक तैयारी से गुड़ाक ओजोन सहित मिसुचंती है। तो समस्ते ओजोन सहित मिसिले तेणु ये ओजोन टाक गोटे प्राइमरी कन्स्टिट्यूएंट हिसाब से निहि बट पैनटा अदर कॉन्स्टिट्यूएंट हिसाब से निया हम मन रखा पॉइंट ये भले कि मन रखे अनुसार शॉर्ट क्वेश्चन आसो
ओजोन टाक फोटोकेमिकल स्मोक तैयारी होगा बेले प्राइमरी कन्स्टिट्यूएंट आकर कन्सीडर करा जीवो किंतु पैन टाक प्राइमरी आकर नहीं जो हाइड्रोकार्बन और एनओ मिशुचार बा नाइट्रोजन ऑक्साइड मिशुचार से पैन तैयारी पारे कि अन्य कौन से कंपाउंड तैयारी पारती आउ से सबू कंपाउंड गुड़ाक परवर्त समय ओजोन सहित मिसापर एटी ब्राउनिश हेजी फिम्स तैयारी जहाँ आम फोटोकेमिकल स्मोक कहती बुझेगा यही स्क्रीन ऑडियो को बारंबार जदि दि चार थर लेखा शुणब तेल डेफिनेटली तुम एगुटा सब बुझी डाउट एत बाहर है सब जिन गुड़ाक मुझे नीट एंड क्लीन तुमको बुझे चेस्टा करुच्ची बुझाप चेस्टा कर या भितर कौन कौन सब रही नीटिग्रिटी कौन रही कंप्लीट कनसेप्ट तुमको दौची जमीती कि पर आउ तुमकर यह सब थे कौन से डाउट बाहर बुझेगा डाउट किसी भी बाहर तुम्हें थे न बुझीपार ऑडियो को द्वितीय थर थर्ड टाइम है सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम एमती ऑडियो को बारंबार जब शुण डेफिनेटली तुम एगुड़ाक सब मन रही बुझे आउ गोटे गोटे इंपोर्टां सर्ट नोट तेणु केवे भी एगुड़ाक तुम नेग्लेक्ट कर ना नेक्स्ट लाइन कंटेन्स सेकेंडरी पोलुटेंट्स ओजोन पैन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर ए आमे जो फोटोकेमिकल स्मोक पढ़िले से फोटोकेमिकल स्मोक रे सेकेंडरी पोलुटेंट ओजोन तो कंपलसरी रहुची पैन भी रहुची तेणु दुईटा सेकेंडरी पोलुटेंट ए रोचे ता व्यतीत ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्राइमरी पोलुटेंट हिसाब से ओजोन पैन रोचे बुझेगा सॉरी ओजोन सॉरी प्राइमरी पोलुटेंट हिसाब से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर रोचे सेकेंडरी पोलुटेंट भितर ओजोन और पैन रोचे सेकेंडरी पोलुटेंट ओजोन और पैन ओजोन टाक प्राइमरीली रहिला पैन टाक ऑप्शनल रही जाइए ता व्यतीत प्राइमरी पोलुटेंट भितर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स गुड़ाक रोचे बुझेगा नेक्स्ट लाइन इन लेस इंटेंस सोलार रेडिएशन जितेबले सनलाइट भेरी स्ट्रंग नथिबो सनलाइट टाक जितेबले एठी बेसी मात्रा रे नथिबो सेतेबले स्मोक फॉर्मेशन इज थिन एंड इनकम्प्लीट रिजल्टिंग ग्रे एयर हला रिजल्टिंग ग्रे एयर कौन बुझिया पे चेष्टा करिवो सेठी ब्राउनिश हेजी फिम्स है आउ से ब्राउनिश हेजी फिम्स मैंने ब्राउनिश मैंने धूसर रंगर हेजी मैंने टिके बहलिया फिम्स मैंने धुआ बुझे जो सिचुएसन है फोटोकेमिकल स्मोक कहते आउ जदि सनलाइट बेसी स्ट्रंग ना सनलाइट टाक टिके अल्प अच्छी लेस इंटेन्स अच्छी ताहले सेठी जो स्मोकटा तैयारी है से स्मोक फॉर्मेशन और फोटोकेमिकल स्मोकटा तैयारी हे से फोटोकेमिकल स्मोकटाक थीन हम पतला हम बुझे से बहलिया होता हेजी होता बहलिया होता ये थीन हम एवं इनकम्प्लीट हम ये कम्प्लीटली सब रिएक्शन बा सीरीज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन होटी मिसी ना बहुत सारे कंपाउंड्स अल्प किसी मिशंटाला थीन है इनकम्प्लीट है ग्रे कलर है केवल जस्ट टिके ग्रे रंगर है बुझेगा सीटी ब्राउनिश होता है ये ग्रे रंगर जस्ट टिके छाई छाइका ये छाई छाई कुहड़िया रिचुएसनटा है हाई बा स्ट्रंग सनलाइट रे एटी ब्राउनिश हेजी फिम्स तैयारी है आदि लेस इंटेंस सनलाइट रेल ये ग्रे एयर सिचुएशन क्रिएट हम तापर इफेक्ट जानवा इरीटेट्स आईज लंग्स आखि को इरीटेसन हम जदि अधिक मात्रा में फोटोकेमिकल स्मोक रायुमंडल लंग्स को इरीटेसन हम कि अजथारे ना थंडा थिबो ना काश थिबो थंडा नथिले मध्य ज्वर नथिले मध्य अन्य कौनसी श्वास प्रश्वास जनित प्रॉब्लम नथिले भी आपे आपे टी खास सृष्टि हबो बा कफिंग हबो तो इरिटेशन टू आईज एवं लंग्स हला नेक्स्ट हला कॉज डैमेज टू द वेजिटेशन एवं जो प्लांट गुड़ाक से ही सिचुएशन ग्रो करुथिबे से प्लांट मानकर पार्ट रे मध्य ये डिफरेंट टाइप्स रो मेटाबॉलिक प्रोसेस रे एबरेशन क्रिएट करियो मेटाबॉलिक प्रोसेस रे अफेक्ट करिथाय बुझेगा कहीं ना लास्ट लाइन लिखाई कि इंटरफेयर्स विद द एंजाइम सिस्टम ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म जेतेबेले फोटोकेमिकल स्मोक परिमाण एटमॉस्फेयर अधिका रहिबो यही जो कंपाउंड गुड़ाक स्टोमाटा देके प्लांट रो लीफ भितर को एंट्री करिवे लीफ भितर को एंट्री कलापर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस गुड़ाक होउची से इनवॉल्व होतवा एंजाइम गुड़ाक एक्टिविटी को माने डायरेक्टली माने कौन करती स्लो कर दिंती से एंजाइम मानक एक्टिविटा को स्लो कर दिंती तेणु एंजाइम एक्टिविटी जब स्लो हो गला डेफिनेटली मेटाबॉलिक प्रोसेसटा मध्य अफेक्टेड हबो बा स्लो हो जिवो ये हला हमरो फोटो केमिकल स्मोक बुझेला इथिरे जति कि जिनस तुमको मु इथिरे कहली
एगुड़ाक सब लाइन गुड़ाक बहुत इम्पोर्टाट क्रिटिकाल तो कमी या समरइज कर केमी मन रख प्रथम स्मोग कौन से बुझाप चेस्टा कर तो स्मोग जोबले कहगला स्मोग समय आम जान लें कि जदि स्मोक स्मोक सहित फग मिशुचला स्मोग तो प्रथम लाइन टा सी लिखाही आई स्मोक्रे एसएमओके स्मोक्रे कौन कौन अच्छे ना बहुत सारे पोल्यूटेंट अच्छा से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी थी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी थी अन्न्य गैस पार्टिकल्स रही तेणु या स्मोक या जो स्मोक या पुणी दुई प्रकार गोटे क्लासिकल स्मोक नॉर्मल स्मोक कहले एवं आ गोटे पीसीएस फोटोकेमिकल स्मोक ए क्लासिकल स्मोक नॉर्मल स्मोक नॉर्मली शीत दिन तुम बहुत समय सकाळ सकाळ भोर उठिले तुम देखुच आउ से जो टा देखुच जो कोहड़िया सिचुएशन टाक देखुच सेटा को मध्य गोटे स्मोक किंतु से स्मोक रे गैसियस पार्टिकल्स पोल्यूटेंट रो परिमाण कम थाए आ वाटर भेपर कंटेंट टाक अधिक थाए तेणु जो सूर्यकिरण पड़ा स्ट्रंग हो जाए से ही समय धीरे धीरे वाटर भेपर टा गैस को कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे कुहुड़ी छाड़ी जाए थे तेणु खरा बढ़िया समय कुहुड़ी आपे आपे छाड़ी जाए बुझेगा ये शीत दिन सिचुएसन आउ से जो स्मोक टाक आम कहले कौन नॉर्मल स्मोक क्लासिकल स्मोक जोटा को नॉर्मली रिड्यूसिंग इन नेचर तार जब आम केमिकल प्रॉपर्टीज बाहर करवाटा को रिड्यूसिंग नेचर किसी केमिकल सहित जब रिएक्शन कर सी तो रिडक्शन करदेव बुझेगा से रिड्यूसिंग इन नेचर भी कहगला कितु आउ जो टाइप स्मोक तैयारी होती इंडस्ट्रियल एरिया जो बेसी मात्रा इंडस्ट्री थी कलकारखाना थी जो बेसी मात्रा धूआ बाहर थी पल्यूसन अधिक थी से जो स्मोकटा तैयारी होती कहते फोटोकेमिकल स्मोक कहुए और यो फोटोकेमिकल स्मोकटा तैयारी होती इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रंग सनलाइट प्रेजेन्स तैयारी होन मिथेन हाइड्रोकार्बनस इनवल्व हमें नन मिथेन हाइड्रोकार्बनस गुड़ाक इनवल्व हमें अन्न्य हाइड्रोकार्बनस गुड़ाक हमें नन मिथेन हाइड्रोकार्बनस भी इनवल्व हो पारे खाली हाइड्रोकार्बनस गुड़ाक इनवल्व हो पारे सहित ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आउ सल्फर इनवल्व हे सेमी ओजन इनवल्व हम एथेरे आउ सनलाइट इनवल्व है ये सब गुड़ाक फोटोकेमिकल स्मोक कंपोनेंट तेणु स्ट्रंग सनलाइट प्रेजेन्स जितेबले प्राइमरी पोल्यूटेंट गुड़ाक रिएक्शन करती से माने जो कंपाउंड तैयारी करेंगे से कंपाउंडटा ओजन सहित रिएक्शन कलापर गोटे ब्राउनिश हेजी फ्यूम तैयारी हम स्ट्रंग सनलाइट प्रेजेन्स जो ब्राउनिश हेजी फ्यूमटा तैयारी सेटा है आम फोटोकेमिकल स्ट्रंग फोटोकेमिकल स्मोक है बुझेगा सेमती जदि सनलाइटटा को स्ट्रंग ना सनलाइटटा को पूरा डीम अच्छी बा लेस इंटेंस सनलाइट अच्छी ताहले एठी इनकम्प्लीटली फोटोकेमिकल स्मोक टाक तैयारी हुए आउ से टिके पतला हुए सेठी टिके बहलिया होकर तैयारी होता एठी टिके पतला होकर तैयारी हे आउ जो पतला होकर तैयारी है सेटा को गोटे ग्रे एयर सिचुएशन क्रिएट हे बेसी नहीं अल्प टिके धुआलिया कंडीशन टाक एटमॉस्फेयर रहिबो लेस इंटेंस थिला बेले सूर्यकिरणटा बुझेगा तो ये सब प्रकार फोटोकेमिकल स्मोक या आउ फोटोकेमिकल स्मोक ओजन टाक नि प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट हिसाब से निया प्राइमरी पोल्यूटेंट नो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक बुझेगा कहीं ना ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट टाक फोटोकेमिकल स्मोक टा गोटे सेकेंडरी पोल्यूटेंट से ही सेकेंडरी पोल्यूटेंट तैयारी आउ गोटे सेकेंडरी पोल्यूटेंट ओ थ्री भी दरकार हो आउ बेले बेले पैन भी दरकार हो तेणु पैन भी दरकार होते हाइड्रोकार्बन गुड़ाक हाइड्रोकार्बन गुड़ाक नॉन मिथेन हम से पैन तैयारी हम जदि हाइड्रोकार्बन गुड़ाक मिथेन हो पैन तैयारी न होकर से अलग कंपाउंड तैयारी हे आई कंपाउंड गुड़ाक ओजन सहित मिसिकी एटी फोटोकेमिकल स्मोक तैयारी हम जदि नॉन मिथेन रहा तो पैन तैयारी हे से ओजनटा तो प्राइमरी है ऑप्शनल कंपाउंड है पैन ये इनवल्व हो बुझेगा ये गोटे फोटोकेमिकल स्मोकटा गोटे सेकेंडरी पोल्यूटेंट ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट तैयारी आउ दुटा सेकेंडरी पोल्यूटेंट ओजोन एवं पैन मध्य इनवल्व होतापे यू जो कंपाउंड गुड़ाक यामर इफेक्ट विषय भी कहगला कि नॉर्मली आई को इरीटेसन करती लंगस इरीटेसन करती इरीटेसन टू आईज एंड लंगस आखि कुंडे लगे सेमती लंगस इरीटेसन किसी काम न था कि कज न था कि काश हे तो से गुड़ाक हूँ लंगस इरीटेसन और आईज इरीटेसन ताबीत प्लांट युवाक मेटाबलिक प्रोसेस को स्लो कर दिखती डैमेज करती प्लांट जदि फोटोसिंथेसिस कम हे तो डेफिनेटली प्लांट ग्रोथ टाक रिड्यूस हो बुझे कहीं
ये फोटोसिंथेसिस किंवा ट्रांसपिरेसन एगुडा कहीं अफेक्ट करती ना एम डायरेक्टली इंटरफेयर करती एंजाइम सिस्टम रे जितेबाला स्टोमाटा देखिए गैस एक्सचेंज समय स्टोमाटा देखिए एंट्री कर जाती पत्र लिफ रे थिबा इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस को पलि जाती से मेजोपिल सेल रे एंट्री करी एमाने से फोटोसिंथेटिक प्रोसेस टाक एमाने स्लो डाउन कर दियंती बुझेला तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को एमाने डायरेक्टली इंटरफेयर करुचंती ये हला मोर फोटोकेमिकल स्मोग दुई थर लेखा बुझेदेली फोटोकेमिकल स्मोग बुझेबार असुविधा हेनी ताको जदि थरके न हो दुई थर तो बुझेली पुणी आउ थर जदि आम ए भिडियोटा को जदि शुणापे चेष्टा करिवा ताले डेफिनेटली तुम एगुडा को सब डाउट क्लियर हो पार बा मन रहिबो किछि असुविधा हेब ना बुझेला चेष्टा करिवा थर दुई थर शुणापे ताले ए सब गुडा को क्लियरली तुम जानि पारिबो तो या सहित मु एई ऑडियो को एठ रखुची तापर नेक्स्ट क्लास रे आमे आउ गोटे लास्ट इम्पोर्टाट सर्ट नोट अच्छी जोटा को आम अम्लवृष्टि कहचु एसीड्रेन कहुच्छे से एसीड्रेन विषय में आम टे जाना सी भी गोटे इम्पोर्टाट सर्ट नोट ये भी पाखापाखि किसी समय नब तो यही एसीड्रेन टाक आम टे आगे डिटेल आउ भल भाव में आलोचना करी या विषय में तुम कि भाव में सम्यक नलेज तुम नहीं कि हाईस्कल समय आसीच अम्लवृष्टि केमी हो तो से अम्लवृष्टि विषय आउ डिटेल आम डिस्कसन करवा कौन ए रिएक्शंस गुड़ाक इनवल्व होती से विषय में तुमको पढ़ेबी बुझेगा बुझाप चेस्टा कर बुझीहब किसी असुविधा नहीं बहुत सिंपल बहुत इजी कनसेप्ट जदि मन रख लौन सर्ट क्वेश्चन आसव से गुड़ाक मुझे पढ़ेला बेल तुमको कहीदे कि ये टाइप सर्ट क्वेश्चन हो पाए एथिरे किसी इम्पोर्टाट पॉइंट गुड़ाक बोल्ड करवा कथा मुझे बोल्ड करें तेणु मुझे जो कहूँ पढ़ाऊँ से समय टी ये कर बट तुमको जो नोट दिखाई से नोट्रे डेफिनेटली बोल्ड कर दिखाई थो कौड़ा इम्पोर्टाट पॉइंट कौ गुड़ाक इम्पोर्टाट लाइन से बोल्ड कर दिखाई थो तुम देख से अनुसार पढ़व यो एक्सप्लेनेटरी नोटा को मुझे बनई बोल्ड करनी भूली छाड़ दे बट तुम पढ़ला बेल तुम्हें जो नोट मुझे से नोट्रे सब गुड़ाक क्लीअरली मेनसन अच्छी कौड़ाक हो पार कौड़ाक हो पार नहीं बुझेगा भल भाव पढ़ मन रखिपार किसी असुविधा हेनी जदि किसी प्रॉब्लम हुए मतलब पुणी व्हाट्सएप कले मेसेज कले मुझे तुमको बुझेदेवी।